गलवान घाटी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद वैश्विक स्तर पर इसमें प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इसी कड़ी में जुड़ा है ताज़ा ताइवान। ताइवान टाइम्स ने एक इलस्ट्रेशन पेश किया है जिसमें भगवान राम चीनी ड्रैगन को तीर मारते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। भगवान राम के चीनी ड्रैगन को तीर मारती हुई इस फोटो के कैप्शन में लिखा है, हम मारेंगे हम जीतेंगे। वहीं खबर की हेडलाइन में लिखा है, भारत के राम ने चीन को मारा। इस आर्टिकल को लिखा है कियोनी एवरिंगटन ने। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर आग की तरह फैल गई। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब ताइवान न्यूज ने वहां की सोशल मीडिया लिंडन पर शेयर हो रही एक तस्वीर को फोटो ऑफ द डे बताते हुए ट्वीट किया। साथ ही इसके बारे में लिखा कि कैसे भारत और चीन के सैनिकों की भिड़ंत में भारत के 20 जवान शहीद हुए और चीन के 43 जवानों को मार गिराया। इस पिक्चर में भगवान राम ड्रैगन को बाण से मार रहे हैं। सोशल मीडिया साइट ट्विटर और लिंडन पर बड़ी संख्या में हांगकांग और ताइवान के लोगों ने भारत के प्रति अपने समर्थन का इजहार करते हुए इस फोटो को शेयर किया। आपको बता दें कि हांगकांग प्रत्यर्पण कानून की वजह से चीन के खिलाफ है, वहां रोज प्रदर्शन हो रहे हैं और ताइवान को चीन अपना ही हिस्सा बता रहा है। वहां के लोग चीन की अवमाननीय कार्रवाई और धमकियों से परेशान हैं। चीन ताइवान को अपने में मिलाने के लिए सैन्य कार्रवाइयों की हर रोज धमकी देता रहता है।